ऊपर से है शक्ति इसमें अंदर से है नरमी, पत्थर दिल भी पिघले फिर बाद में ऐसी गर्मी, आन बान से जीने वाली दुखियों की है जान, सपने में भी दिख जाए तो जालिम हो परेशान। मर्यादा ताई जीवन की शान, ताई जीवन की मर्यादा ताई जीवन की शान, एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान, एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। ताई 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 लगता है पानी पताल में समा गया है। बार बार कोशिश कर रही हूँ लेकिन बाल्टी पानी तक पहुँचती ही नहीं। अरे बाल्टी पानी तक पहुँचेगी भी कैसे, देखती नहीं पानी कितना नीचे उतर गया है, रस्सी भी छोटी पड़ गई है। ना जाने क्या बात है, आज बाल्टी में पानी भर ही नहीं रहा या छोटी रस्सी ले आई होगी। नहीं रस्सी तो वही है जो रोज लाती हूँ। चल चल बातें कम कर और पानी खींच। क्यों लाजो, आज तुझे बड़ी जल्दी है, लगता है मुन्ने के बापू आज घर पर ही है। शर्म कहेगी। हे राम इतना गंदा पानी। अरे ये तो कीचड़ है। सच सुखिया ये तो बड़ा ही गंदा पानी है। जी, हम कैसा पानी पियेंगे, लगता है कुएं का पानी उतर गया है, हम तो कीचड़ खींच कर ला रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, एक तो भयंकर गर्मी, ऊपर से बारिश का नामो निशान नहीं, कुएं का पानी उतरेगा नहीं तो और क्या होगा। पर अब हम करेंगे क्या, पीने का पानी कहाँ से लाएंगे। अरे आज का दिन तो हम लोग किसी भी तरह से काम चला लेंगे लेकिन आगे क्या करेंगे। मेरी बात मानो तो ये बात मर्दों के कान में डाल दो। हाँ हाँ चलो ठीक है, चलो जल्दी चलो। बात ताई के सामने रखते हैं, शायद वो ही कोई उपाय निकाल दे। हाँ ख्याल तो अच्छा है, वो बुजुर्ग है और गांव में सब लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। हाँ कई बार परेशानियों में उनकी सूझबूझ बहुत काम आई। हाँ। है तो फिर चलो ताई के पास चलते हैं। ठीक है चलो। सलमा बेटी मैं तो एक ही बात जानती हूँ, आदमी के सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मरते दम तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तुम लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दोगी तो यहाँ के लोगों का भला ही होगा। ताई कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। अब सब औरतें कहती हैं कि घर गृहस्थी और रिश्ते नाते निभाने के बाद फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जहाँ चाहे वहाँ रहा, जैसे नहाने खाने के लिए वक्त मिल जाता है वैसे ही पढ़ने लिखने के लिए भी वक्त मिल सकता है। राम राम ताई। राम राम। राम राम ताई। राम राम। राम राम ताई। कैसी है ताई? अच्छी हूँ। अरे ये बताओ यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? ताई गांव पर मुसीबत आने वाली है। साफ साफ बता बात क्या है। ताई हमारे कुएं का पानी घट रहा है, आज तो दूसरी रस्सी बांध कर पानी खींचना पड़ा। हाँ ताई यदि यही हाल रहा तो 10-15 दिन में ही लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। और धोबी मोहल्ले के कुएं का क्या हाल है, उसमें तो पानी होगा, क्यों वहां नहीं गई क्या, वहां का पानी कुछ अलग है। पानी चाहे ब्राह्मणों के कुएं का हो या धोबियों के कुएं का, वो तो धरती की कोख से या आसमान की छाती से ही आता है। लेकिन ताई ये बंटवारा पीढ़ियों पुराना है और पुरखों के जमाने की बात को बदलना हमारे बस का नहीं। पुरखे तो धोती पहनते थे, अब हमारे बच्चे पैंट पहनते हैं, वो
वो गुड़ का रस पीते थे, अब हमारे घरों में चाय बनने लगी है। खाना बदलते वक्त, कपड़े बदलते वक्त पुरखे याद नहीं आते, और ये जात पात की जब बात चलती है तब लोग उसकी दुहाई देने लगते हैं ना, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ताई तुम कुछ भी कहो, पर पुरखों के जमाने से चली आ रही चीज को बदलना उतना आसान नहीं है। एक दो लोगों के सोचने से बात नहीं बनेगी ताई, इसके लिए तो पूरे गांव को मिलकर सोचना पड़ेगा। लेकिन आगे तो किसी एक को ही बढ़ना पड़ेगा ना। तो ठीक है ताई, तुम इतना कहती हो तो हम घर के मर्दों से बात करेंगे, मालिक तो वही हैं। अच्छा ताई हम चलते हैं अब। ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो ताई। अच्छा शर्मा बेटी। अरे आज सब कहाँ गए? ताई भी नहीं है। कमाल कर दिया आज तो। अरे तुम आ गई, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ कुएं पे गई थी, कुएं का पानी तो घट रहा है, और तुम तो जानते ही हो मास्टर कि गांव में और कोई जरिया नहीं है पानी का। हाँ चिंता की तो बात है, लेकिन बरसात में देर होने के कारण ये अंदेशा तो था ही। लेकिन धोबी मोहल्ले के कुएं में बहुत पानी है, लोग वहां से पानी लेने लगे तो ये मुसीबत काफी दिनों के लिए टल सकती है। ये इतना आसान नहीं है ताई, सैकड़ों साल से ऊंच नीच का कीड़ा हमारे दिमाग में बैठा हुआ है और वो हमारे होशो हवास पर पूरी तरह हावी हो चुका है, उससे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिल सकता ताई। अजीब बात है, हम उन लोगों से हल चलवा सकते हैं, उनकी उपजाई फसल खा सकते हैं, उनके धोए कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उनके कुएं से पानी नहीं ले सकते, ये क्या बात हुई? ये अहंकार का खेल है ताई, हम अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाते हैं, तुम उनसे बड़े हो, अलग हो, ऊंचे हो, और जो जो बच्चा बड़ा होता है उसके मन में रोपा गया अहंकार का पौधा भी बढ़ता जाता है। लेकिन अब बखत बदल रहा है मास्टर, हमारे गांव के लड़के शहर जाते हैं, होटलों में खाते हैं, रेलों में बैठते हैं, बसों में बैठते हैं, तब तो कोई नहीं पूछता कि बगल में बैठा आदमी किस जाति का है। वहां ऐसा नहीं है ताई, शहर में जाति बिरादरी को जवाब नहीं देना पड़ता और ना ही वहां आदमी खानदान और घर से पहचाना जाता। अब तुम ही बताओ, तुम तो उस कुएं का पानी पी लोगी, लेकिन गांव वालों को कैसे मनाओगी? हाँ ये बात तो है, फिर तुम ही कोई उपाय बताओ मास्टर। मेरे ख्याल में तुम लोगों से मिलके देखो, शायद कुछ बात बन जाए, कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ उन्हें समझाने की। कहो हुकुम भाई, अब क्या सोचा? सोचना क्या है ताई, ये हमसे नहीं होगा। आपने मुरारी काका से बात की थी, उन्होंने क्या कहा? वही कहा जो तुम कह रहे। मान मर्यादा भी कोई चीज होती है कि नहीं? आज हमारे कुओं में पानी घट गया तो उनके कुओं से पानी पीने लगे, कल हमारे खेतों में फसल कम होगी तो तुम कहोगे उनके चौकी में जाकर खाना खाओ। तो इसमें हर्जी क्या है? जिन्हें तुम पिछड़ी जाति का कह रहे हो वो भी इसी गांव की मिट्टी में पले और बड़े हुए हैं। क्या बात है, परेशान क्यों हो? भोला की तबीयत खराब है ताई। क्यों, क्या हुआ उसे? उसको उल्टी, दस्त, बुखार, मुझे तो डर है कहीं उसको हैजा ना हो गया। शुभ शुभ बोलो भाई, मुरारी काका के गई थी, उनके नाती की भी तबीयत खराब है। सो तो है, पड़ोस के दोनों घरों के बच्चे भी बीमार हैं। घर की सफाई और खान पान पे निगाह रखते हो ना? अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करते हैं ताई। अच्छा एक बात बताओ, किस कुएं का पानी लाते हो? भोलू की माँ बता रही थी कि कुएं का पानी साफ नहीं आ रहा, इसलिए वो तालाब का पानी ला रही है। उस गंदे तालाब से? उसका पानी पीकर तो बच्चे बीमार पड़ेंगे ही। हुकुम भाई आप क्या कहते हो? पिछड़ी जाति के लोगों के कुएं से तो पानी लोगे नहीं, इधर हमारे बच्चों की जान पे बनाई है, ऐसे में तो एक ही रास्ता सूझता है। वो क्या? लोग पास के गांव के कुएं से पानी लाएं। बात तो पते की है ताई। अच्छा हुकुम भैया मैं चलती हूँ, तुम लोगों से बात कर लेना। ठीक है ताई जी, हम आज ही लोगों से सलाह मशवरा कर लेंगे।
भौजी। हाँ भैया। अरे थक तो नहीं रही हो? अरे भैया पैर थके या सर दुखे पानी के बिना तो काम नहीं चलता ना। ठीक कहती हो भौजी, वरना किसको चाह है मीलों दूर से बैलों की तरह ये बोझा लाद कर ले आए। अरे महेंद्र भैया, तुम रामखिलावन चाचा को देखने गए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हें खबर नहीं, उनकी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई थी। एक और उल्टी, दस्त, ऊपर से तेज बुखार, लगा कि अब तो रवानगी का वक्त आ गया। अब क्या हाल है? भला हो बसंती का जिसने उन्हें शहर से दवा ला के दी, अब तबीयत कुछ संभली है। लोग भी क्या करें भौजी, जिनके घर में इतनी दूर से पानी ढोने के लिए सामर्थ लोग नहीं है, वो तो उसी गंदे तालाब का पानी पी रहे हैं ना। कहते हो भैया, क्या करें। अरे भौजी, अरे थोड़ा सुस्ता ले क्या? हाँ चलो। हाँ। अरे भैया, यहीं बैठते हैं। हाँ भौजी यहीं बैठते हैं। हाँ। यहाँ थोड़ी छाया भी है। आ जाओ बहनों। भैया पानी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव चारपाई पर पड़ा होगा। ना जाने इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राम राम। राम राम। आओ बैठो। क्या हाल है? राम राम भैया। राम राम। और भाई महेंद्र? बस जी बढ़िया, ठीक हो? ताई दिखाई नहीं दे रही है, कहीं बाहर गई क्या? हाँ मैं यहाँ आया तो पता चला कि ताई आज शहर गई है। शहर गई है? ये ताई को एक एक क्या सूझी कि शहर चली गई? अरे कोई काम पड़ गया होगा, बेवजह तो ताई कभी शहर जाती नहीं। शाम होने को है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। दरअसल ताई से हम पानी के बारे में ही बात करने आए थे, दूसरे गाँव से पानी लाने में बहुत परेशानी होती है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। जिन घरों के लोग बाहर हैं उनकी तो और भी मुसीबत है, घर में सिर्फ बच्चे बूढ़े और बहुएं हैं, और उनमें से कईयों के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। अब उनके हाथ में मटका थमाकर कैसे कह दें कि जा बेटी जरा गैरों के गांव से पानी ले आ। दरअसल ताई से हम इसी बारे में बात करने आए थे, पर लगता है आज ताई से भेंट नहीं हो सकेगी। चलो चलते हैं फिर। चलो। अरे थोड़ी देर और बैठो ना, ताई आने ही वाली होंगी। लो वो आ गई ताई। राम राम ताई। राम राम ताई। राम ताई। खुश रहो। आओ बैठो। बैठो कौन भैया। ताई आज सुबह सुबह शहर की ओर कैसे जाना हो गया ना? वो तो बाद में बताऊंगी, पहले तुम लोग बताओ यहाँ किस लिए आए हो। ताई पास के गांव से पानी लाना तो ऐसा हो गया है कि मानो गंगा सागर से पानी ला रहे हैं, और जिस घर में मर्द नहीं है उस घर में बच्चों और औरतों की हालत तो इतनी खराब है कि वो बेचारे एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। ताई इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो शहर गई थी, जिले के अफसर से मिलके आ रही हूँ। कुछ बात बनी? वो अपने गाँव को पानी भेजने को राजी हो गए हैं। अरे वाह ताई, ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन पानी आएगा कैसे? हर हफ्ते वो पानी का टैंकर आया करेगा। लेकिन ताई इतने से पानी से होगा क्या? अरे कुछ तो राहत मिलेगी, फिर और कोशिश कर लेंगे। सही कहती हो ताई, बूंद बूंद से तालाब भरता है, पर ये तो टैंकर भर के आ रहा है। पहले बुझाओ ना। अब तेरी बारी है। अच्छा एक मिनट, राधिका बेटी जरा पानी तो लाना। हाँ बोल। ताई बुझो ना, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अरे वाह, ये पहेली तुझे किसने सिखाई? राधिका दीदी ने। तुम तो शाम को भी सेंटर पे बैठी रहती हो, राधिका दीदी स्कूल से लौटकर ढेर सारी अच्छी बातें बताती हैं। अच्छा मेरी बिटिया तो बड़ी सियानी हो गई। लो ताई। ला, जीती रहे। यूरी राधिका, ये पानी कहाँ का है? अपने गांव के कुएं का तो नहीं लगता, ये तो काफी साफ है।
पास के गांव के कुएं का भी नहीं लगता। अरे इसका तो स्वाद ही अलग है। जी ताई, ये धोबी मोहल्ले के कुएं का है। क्या तेरे बाबूजी को पता है? हाँ ताई, उन्होंने ही तो वहाँ से पानी लाने के लिए कहा था। कल जब आप शहर गई थी ना, तो हुकुम काका यहाँ आए थे। वे आपकी कही हुई बातें बता रहे थे और फिर आज सुबह बाबूजी बोले ताई ठीक ही कहती है, धोबी मोहल्ले के कुएं का पानी भी तो अपने गांव की धरती का ही है। और फिर अपनों से मदद मांगने में हमारी शान घटती है तो क्या बहू बेटियों को दूसरे गांव भेजने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी? हाँ ताई, बाबूजी ने कहा है आज से हम अपने गांव का पानी पियेंगे। क्या पानी में छोटे बड़े का निशान लगा हुआ है? नहीं रे। ताई पहेली बुझाओ ना। हाँ हाँ, अब एक नहीं दो दो पहेलियाँ बुझाऊंगी। समय काफी होता जा रहा है। क्यों भाई, वो सुमेर अभी नहीं आया? चाचा, सुमेर अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता तय करने गया दूसरे गांव। अब आने में देर सवेर तो हो ही जाती है। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी जानकी के लिए लड़का देखा कि नहीं? हाँ, हमारी घरवाली की बहन है ना, उसके यहाँ एक लड़का है, सुंदर है, सुशील है। चाचा ये ताई अभी तक नहीं आई? हाँ अभी आती होगी। अरे भाई, ये बामन टोला वाले लोग भी बड़े अजीब हैं। अजीब क्यों? अरे ये कोई बात हुई, अपनों के पास तो आते नहीं है, परायों के पास झोली पसारते हैं। अरे भैया, तुम ही तो उनको अपना मानते हो, वो तो तुम्हें अपना नहीं मानते ना। इसमें मानने ना मानने की क्या बात है, एक ही गांव में रहते हैं, अपने ही हुए ना आखिर। हाँ, पर जानते हो वो क्या कहते हैं? वो अपने को विष्णु भगवान के मुख से जन्मा मानते हैं और हम सबको उनके पैर से। चलो माना, पैरों का बखत कम है, पर उन लोगों ने क्या अपने पैर काट के फेंक दिए हैं? लो ताई और सरपंच जी भी आ गए। अरे ताई आ गए, सरपंच जी। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। भाइयों राम राम। राम राम। जब तुम लोगों का बुलावा मिला तो सोचा कोई खास बात ही होगी, सो इन्हें भी साथ ले आई। कैसे याद किया ताई? ये सब अच्छी बात हो रही है क्या? कौन सी बात? ये धोबी मोहल्ला और बामन मोहल्ला एक ही गाँव में है ना? हाँ। तो ताई ये कुआं क्या दूसरे गाँव का है? नहीं तो। ताई ये क्या ठीक लगता है कि उस टोला के लोग तो प्यासे रहे और हमारे यहाँ गाय और भैंसे ना है? राम कसम, हमारे गले से तो पानी नहीं उतरता ये सोच के कि हमारे गांव के बच्चे प्यासे हैं। ये कौन नियम धर्म है सरपंच जी? अपने गांव का कुआं लबालब भरा है और गांव की बहू बेटियां पानी भरने के लिए दूसरे गाँव में डोलती फिरे। अगर रत्ती भर भी इशारा किया होता तो हम खुद ही पानी भरकर घर घर तक पहुंचा देते। मैं तुम लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन क्या करूं, लाचार हूं। कैसी लाचारी? युग युग से चली आ रही है जात पात, गांव वाले अपने पुरखों के बनाए हुए दस्तूर को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। अब आप जैसा सोचें, आप लोग ठहरे ज्ञानी आदमी और हम अनपढ़, जितना समझ में आया उतना आपके सामने रख दिया। अब आप जाने और आपका काम। चलो कुछ तो राहत मिली, नहीं तो दूसरे गांव से पानी लाते लाते सिर के बाल झड़ने लगे थे। सुना है उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। सच्ची? अब क्या होगा, एक ही टैंकर के पानी से काम कैसे चलेगा? आज सुखिया और रानी छोटी जाते के कुएं से पानी भरने गई हैं। हे भगवान, उनके मर्द कैसे मान गए? जब जान पे बनाती है तो अच्छो अच्छो का मन डोल जाता है। ताई राम राम। राम राम। पता है ताई, आज सुखिया और रानी धोबी मोहल्ले के कुएं से पानी भरने गए थे। चलो कुछ लोग तो रास्ते पर आए, ये बात पूरा गांव समझ जाए तो झंझट ही खत्म हो।
क्या कहती हो ताई, मुसीबत आई तो दीन ईमान बदल दें? शास्त्र कहते हैं मुसीबत के समय में भी आदमी की परीक्षा होती है। अच्छी बातों का कितना इस्तेमाल होता है। आदमी की कसौटी है उसकी इंसानियत, उसका धर्म है दूसरों का दुख दर्द बांटना। यहाँ लोग जाति पाति को ही धर्म मानकर बैठ गए हैं। राम राम। ए भैया, पिछली बार से कम तो नहीं है पानी? अरे ताई, पिछली बार 190 कनस्तर पानी लाया था, इस बार 200 कनस्तर पानी लेके आया हूँ। अरे जुग जुग जी, भगवान तुझे बड़ी लंबी उम्र दे। नाश्ता पानी किया कि नहीं? नहीं ताई, जब से आया हूँ कल पानी देने में व्यस्त हूँ। अच्छा अच्छा, अरे हाँ, तेरा नाम क्या है? मनसुख पासवान। मनसुख पासवान, सरपंच जी अब स्थिति ऐसी हो गई है कि फैसला लेने का वक्त आ गया है। अपने गांव के लोगों के जीवन से और नहीं खेल सकते हम। हाँ सरपंच जी, दूसरे गांव वालों ने पानी देना बंद कर दिया है और अपने कुएं में सिर्फ कीचड़ बचा है। हफ्ते भर में एक ही टैंकर तो पानी लाता है, अब उससे गाड़ी कहाँ तक खींचेगी? चाहे जो होता ही, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, भले ही हमें गाँव क्यों ना छोड़ना पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं हुकुम भाई, ज्यादा जिद अच्छी नहीं है। धर्म का मतलब क्या छुआछूत और जात पात है? धर्म का सार है प्रेम, लेकिन हमने उसका गूदा फेंक दिया है और उसके छिलके की रोटी पकाकर खा रहे हैं। ताई कुछ भी हो, जिसकी जो जगह है वो वही शोभा देता है। लेकिन भगवान ने हम सबको एक बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? और मन चंगा तो कठौती में गंगा की अलग जगाने वाले संत रविदास कौन थे? लेकिन यहाँ कोई साधु संत नहीं है, और मैं काफी सोचने समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं गांव वालों को उनके पुरखों के बनाए हुए दस्तूर बदलने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। हमारे गांव के पिछड़ी जाति के लोग संत महात्मा नहीं है, इसीलिए आप उनके कुएं का पानी नहीं पी सकते। तो वो टैंकर का ड्राइवर कौन सा संत महात्मा है जिसका लाया हुआ पानी, छुआ हुआ पानी आप पिछले काफी दिनों से पी रहे हैं? वो भी तो छोटी जाति का ही है, उसे भी पानी लाने से मना कर दीजिए, क्योंकि जिसकी जो जगह है उसे वही शोभा देता है ना। लो सरपंच, सुखिया और रानी भी आ गई धोबी मोहल्ले से, अब तो पानी पी लो। ताई, जब तुमने मेरी इन सब के सामने कर दी इतनी धुलाई, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ पानी पीने। सुखिया पानी तो पिला। नाना ताई, ये पानी तो मैं अपने घर के लिए लाई हूँ, जिसे पानी पीना हो ना वो वही जाकर पिए कुएं पे।